यीशु दूसरी कथाओं की सीख दें। यीशु लो पिता परमेश्वर का राज्य का बारे में है कि बहुत सी कथा सुनेन। उदाहरणों को वेल बोली, पिता परमेश्वर को राज्य एक रै का बीज का जंच जय थे कै पुंगण में बुते गए। तुम जानता छा कि रै को बीज सारा बीजों में बटी सबसे छोटू हूं, पर रै को बीज बड़ी के बगीचा का सारा दलों में सबसे बड़ हुए जांद। इथुक बड़ो कि चलखुड़ा ऐ के वे का फोंकों पर आराम कर दिन। यीशु एक है की कथा बताई, पिता परमेश्वर को राज्य खमीर का जंच जैते लेके एक जनन आटा का गोली में मिले दें दी, तब सैरो आटा में मिल जान। स्वर्ग को राज्य वे खजाना का जंच जैते कैल पुंगड़ा में छिपा दिन, कह है का आदिम थे ऊ खजाना मिली और वेल वे थे पाने की बहुत ही चकैरी, इले वे थे फिर दोबारा खड़े दिन। वो खुशील इतग भोरियू छो कि वेल जय के अपड़ो सभी कुछ बेच दिन कि ऊ वे पुंगड़ते खरीद साकु जखू खजाना छो। स्वर्ग को राज्य एक बहुत कीमती शुद्ध मोती का जन बिच, जब मोतियों को व्यापारी वे थे पांद तो ऊ वे थे खरीदणु को अपड़ो सब कुछ बेच दिन। ऊख कुछ लोग छा जो सोचता छा कि पिता परमेश्वर ऊ थे इले स्वीकार करुलू किले की ऊ भला काम करना छा। यू लोग ऊ लोगों ते तुच्छ मणदा छा जो ऊ भला काम उते नि करदा छा। इले यीशु ऊ थे ये कथा बताई, द्वि आदिम छा और द्वि प्रार्थना कनु को मंदिर में गैन। ऊ म बेटी एक चुंगी लीण वाल छो और दूसरो एक धार्मिक अगुआ छो। वे धार्मिक अगुवाल इनके प्रार्थना कैरी कि हे पिता परमेश्वर, तेरु धन्यवाद हो कि मैं है का लुकू का जन जन की डाकू अन्योकन वाला मन के व्यभिचारी या इक तक की इखमा खोड़ चुंगी लेने वालों का जन एक पापी निछो। उदाहरण को मैं हर हफ्ता में द्वि बार उपवास रख दू और मैं मिलन वाला धन और सामानों को दसवां हिस्सा भी तो इतने दिन। पर वो चुंगी लेने वाला वे धार्मिक अगुआ बेटी बहुत दूर खड़ा हुए गई। वेल में थी स्वर्ग का जना आंखों उठे के भी नहीं देखी, यहाँ का बदला वेल अपनी मुठ्ठिल अपनी छाती ते पीटी और प्रार्थना कर, हे पिता परमेश्वर, कृपा करी के मी पर दया कर किले की मी एक पापी आदिम छो। फिर ये शुल बोली, मी तो बेटी सच बोलू छो, पिता परमेश्वर अल वे चुंगी लेन वाले की प्रार्थना ते सुनी और वे ते धर्मी बते, पर वेल वे धार्मिक अगुवाई की प्रार्थना ते पसंद नहीं कर। पिता परमेश्वर हर एक घमंडी का मुंड ते मुड़ कर लो, पर ऊ हर वे आदिम ते सम्मान दिया लो जो अपने नम्र कर्द। मत्ती अध्याय 13 का 31 से 33, 44 से 46, मरकुस 4 का 30 से 32, लूका 13 का 18 से 21, 18 का 9 से 14 बटी एक बाइबल की कथा।